देश भर में किसान त्रस्त है, देश भर में कर्ज में डूबा हुआ है किसान, और इन 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया किसान के लिए। अब चुनाव आ रहा है तो सब घोषणा कर दिए कि किसान सम्मान योजना बनाएंगे। किसान जो किसान सम्मान योजना है इसके बारे में भी सुन लीजिए। किसान सम्मान योजना भाजपा ने निकाली है, ये कहते हैं कि हर साल हर किसान के परिवार को 6000 रुपए दिए जाएंगे। अब सोचो हर साल 6000 रुपए का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब महीने में 500 रुपए। मतलब अगर आपके 5 सदस्य आपके परिवार में एक दिन में 3.5 रुपए हुए। अब आप मुझे बताओ ये किसान सम्मान योजना है कि किसान अपमान योजना है? और जहां भी देखो खास तौर से अमेठी में जनता का आदर नहीं हो रहा है, जनता का अपमान हो रहा है। अमेठी में जाते हैं दुनिया भर के मीडिया को बुला के जूते बांटना शुरू करते हैं। ये जो है आपकी उम्मीदवार जो भाजपा की उम्मीदवार है स्मृति ईरानी, ये आई अमेठी में, इन्होंने जूते बांटे ये दिखाने के लिए कि देखो अमेठी की जनता की हालत है कि इनके पास जूते भी नहीं है। इस तरह से आपको अपमानित करा जा रहा है, ये सोचते हैं कि ऐसे करने से राहुल जी का नाम खराब होगा। लेकिन यहाँ की जनता ने कभी भीख नहीं मांगी है, कभी भीख नहीं मांगी है, और ना आप भीख मांगोगे कभी किसी से। भीख मांगनी है तो ये लोग आए और वोटों की भीख मांगे आपसे और काम करके दिखाए। 5 सालों में इनकी सरकार रही है, प्रदेश में सरकार रही है और केंद्र में सरकार रही है। क्या किया? केंद्रीय विद्यालय राहुल जी खोलने जा रहे थे, इन्होंने विज्ञापन देखा, राहुल जी का चेहरा था, बंद करवा दिया, कहीं और ले गए। IIIT उसके लिए पैकेज था, बंद करा दिया। मैट्रिक बंद करा दिया। कहाँ है वो सूची? इतनी लंबी सूची है उन प्रोजेक्टों का कि जो बंद कराई इन्होंने कि मुझे खुद ही याद नहीं रहता कहाँ है वो सूची, कहाँ है, किसके पास है। पढ़ के सुनाती हूँ। FDDI, IIIT, NIFT, एम्स का अस्पताल रायबरेली में, RGIPT, हिंदुस्तान पेपर मिल, जो फूड पार्क था, रेल कोच की जो फैक्ट्री का उसको उसमें जो नया करना था वो, रेल की नील प्लांट, CRPF का ट्रेनिंग सेंटर, सारा बंद कराया इन्होंने। अगर इनकी नियत ठीक थी, अमेठी की जनता की भलाई चाहते, तो उनको क्या मतलब था कि यहाँ से सांसद कौन है? 5 सालों में मौका था, केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, कम से कम ये जो प्रोजेक्ट राहुल जी ने चालू किए थे ये तो चलने देते अगर कुछ नया करना नहीं था तो। लेकिन इनकी नियत ठीक नहीं है, इनके हित में आप नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ राहुल जी की बस बदनामी हो, और ये देश में ये चाहते हैं कि सत्ता इनके पास रहे बस, और सत्ता की मोह है और सत्ता की माया में घिरे हुए हैं, पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ये बस यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो आगे बढ़े। आपको पता है आपसे बीमा ली जाती है, किसान बीमा देते हैं आप? जी देते हैं। देते हैं? कहाँ जाती है वो बीमा जानते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ बड़े उद्योगपति हैं, जितनी भी बीमा आपसे ली जाती है देश भर के किसान से, आज भाजपा सरकार में उद्योगपतियों का 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है किसानों की बीमा से। अब मुझे बताइए जब आपके खेतों में कोई आपत्ति आती है, आप पर कोई आपत्ति आती है तो आपको बीमा मिलता है? नहीं मिलता। हर महीने लिया जाता है, आपको दिया जाता है कभी? मैं पूरे प्रदेश में घूम रही हूँ, फैजाबाद के किसानों से मिली हूँ, वाराणसी से, भदोही से, अब जहाँ पूछू मैं गई हूँ, बुंदेलखंड के किसानों से मिली हूँ, बस्ती के किसान, जहाँ जहाँ गई हूँ किसानों से मिली हूँ, और उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि जब आपत्ति आई है मुझे एक ऐसा किसान नहीं मिला जिसको बीमा मिली, एक नहीं मिला। बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलू किसानों ने मुझे बताया कि बीज का दाम अपने उपज के दाम से ज्यादा है, आज इतनी आपत्ति है किसानों पर। तो ये आपकी मदद नहीं चाहते, आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और राजनीति 2 तरह की होती है, एक राजनीति में नेता होता है जो समझता है कि जनता ने उसे बना है, वो राजनीति आपने अमेठी में देखी है। मेरे पिताजी के समय से आपने यही देखा है कि वो सब समझते थे
राहुल जी समझते हैं कि सत्ता आपने दी है, काम आपके लिए कर रहे हैं, सेवा आपकी करनी है, समर्पित आपके लिए होना है। एक दूसरी राजनीति है जो इसके विपरीत है, जो बिल्कुल उनकी समझ से बाहर है ये बात कि जनता ने उन्हें बनाया है। मंच पे खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, कभी इस हवाई जहाज में उड़ के अमरीका चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, और आपको यही दिखता है, और बड़े बड़े प्रचार दिखते हैं कि नौजवानों के लिए 2 करोड़ रोजगार होंगे हर साल, किसानों की दुगनी आमदनी होगी, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, सब प्रचार। 5 सालों में आपने खुद देखी है इस प्रचार की असलियत, क्योंकि अगर ये प्रचार असली होता, अगर आपके हित में राजनीति होती तो ये काम हुए जाते। आपने खुद यहाँ देखा है राजीव गांधी के समय से लेकर अब तक, जब राजनीति ऐसी होती है कि आपके पक्ष में काम करे तो काम होते हैं, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास होता है और आपकी समस्याएं हल होना शुरू होती हैं। विकास के कार्य ऐसे होते हैं कि कभी रुकते नहीं। आज एक सड़क बनाई तो आसपास की 2 सड़कें और बनानी पड़ेंगी, बिजली के खंभे लगे, तार लगने हैं, बिजली आएगी, पाठशाला बनी तो बड़ी पाठशाला बनानी पड़ेगी, अगर बड़ी पाठशाला बनी तो विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा। तो विकास के कार्य जो है कभी रुकते नहीं है, ये चलते रहते हैं। इसलिए ये कभी कभी लगता है कि ठीक है ये काम हो गया, लेकिन ऐसे 10 काम है जो और होने हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा सांसद नहीं है जो आपकी समस्याओं को हल करना चाहे, जो आपका विकास दिल से चाहे, तो ये विकास एकदम रुक जाता है। तो आपके पास ऐसा सांसद है राहुल जी की, राहुल जी ने अपनी पूरी सांसद निधि खर्च कर चुके हैं वो, और 42 करोड़ रुपए और खर्च चुके हैं पिछले 5 सालों में, यहाँ की सड़कों के लिए, नल लगवाने के लिए, यहाँ पे काम कराने के लिए। अगर केंद्र में हमारी सरकार आई इस बार तो हम बहुत और काम कर सकते हैं, तमाम रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा चालू कर सकते हैं और यहाँ का खूब विकास कर सकते हैं। तो आपने हमेशा प्यार दिया है, हमेशा समर्पित रहे हैं आप भी और हम भी रहे हैं, आपने समर्थन हमेशा किया है, और हम आज भी यही आग्रह करने आए हैं कि एक बार फिर राहुल जी को भारी बहुमत से जिताइए, उनका समर्थन करिए, इकट्ठे आगे बढ़ें, आपका विकास हो, आपके बच्चों का मजबूत भविष्य बने, और ऐसी ऐसी स्कीमें योजनाएं आए जो नौजवान के रोजगार बनाए, जो किसानों के पक्ष में हो। आपको पता है कि नौजवानों के लिए जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है कि 10 लाख ग्रामीण रोजगार बनवाएंगे, मनरेगा कैसा चल रहा है आजकल, बंद पड़ा है, ये सच है ना, ये सच है कि मजदूरी के पैसे नहीं मिलते, सच है ना। तो मनरेगा के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 150 दिन की मनरेगा बनेगी, और दुर्बल मनरेगा जो इन्होंने बनाई है, जो जेसीबी से काम कराते हैं ठेकेदारों से, इसको मजबूत बनाएंगे और मजदूरी दोबारा शुरू होगी और पैसे समय पे मिलेंगे, जैसे आपको कांग्रेस की सरकार में मिलते थे। तो ये सब बातें हैं, तो आप जागरूक हैं पहले से, और यहाँ की मैं हमेशा इस बात पर बहुत गर्व करती हूँ कि अमेठी की जनता बहुत जागरूक है। कोई कुछ भी कहे, आप अपना दिमाग चलाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से, आप अपने विवेक से वोट देते हैं, और जागरूक इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत शिकायत भी करते हैं और नाराज भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं, और सबसे बढ़िया बात तो यही है, मैं आती हूँ, शिकायत सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, कि आपकी आवाज उठ रही है, कि आप कह रहे हैं ठीक है सड़क बनाई, अब इसमें खड़ंजा लगाया, चलो इसको ठीक करो पूरा इसको, ये सब अच्छा लगता है, करो, मजबूत बनो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, लोकतंत्र की शक्ति को बढ़ाओ, और 6 तारीख को जब वोट डालने जाओगे राहुल जी को भारी बहुमत से जिताओ।